नमस्कार, मैं विशाल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इनटॉलरेंस की बातें आप सुना करते थे, 2015-16 की बात है, जो हर तरफ कहा जाता था कि इस देश में इनटॉलरेंस बढ़ गया। इनटॉलरेंस बढ़ने की बात कौन कर रहे थे? जो दूसरे की धार्मिक आस्था को बर्दाश्त नहीं कर सकते, दूसरे की पूजा पाठ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, दूसरे की पहचान को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जहां पर कम संख्या में होते हैं वहां पर गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, वो आपके भगवान को भी अपना भगवान बताते हैं, लेकिन जहां थोड़ी संख्या बढ़ जाए तो आपके पूजा पाठ से भी उनको समस्या होने लगती है। तो पहला मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां के चिनहट थाना क्षेत्र के गंगा विहार कॉलोनी के पास छोटी मस्जिद, जहां की रहने वाली किरण चौरसिया ने जो तहरीर दी है कि उन्होंने गणेश जी की प्रतिमा रखी थी और रोज 7 से 7:30 के बीच शाम को आरती होती थी। 7 तारीख को उन्होंने मूर्ति रखी, उसके बाद मजहबी भीड़ जो कि 20 के करीब थे, जिसमें बालिक नाबालिग दोनों थे, और वो अल्लाहु अकबर के नारे लगाते हुए चले गए। उसके बाद 10 सितंबर को मजहबी भीड़ ने हमला किया, पथराव किए, और जो गणेश जी के पास कलश रखा हुआ था वो टूट गया। उसके बाद उनको जान से मारने की धमकी भी दी गई कि यहां पर पूजा पाठ नहीं होना चाहिए, और वो लोग नारे लगाते हुए चले गए। उसके बाद मामला दर्ज हुआ, पुलिस ने भी बड़ी कामयाबी दिखाई, उस मामले में 2 नाबालिग को गिरफ्तार किया, वो भी सब क्या था। अब नाबालिग है तो उसको जमानत भी आसानी से मिल जाएगी। ये मत भूलिए कि छोटे हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, जिनको लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उनकी सरकार को लेकर भी बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। अगर आप डबल इंजन की बात करेंगे तो गुजरात भी अलग नहीं है। सूरत के सैयदपुरा में पथराव की घटना सामने आई ही थी, उसके बाद एक बुलडोजर स्टंट होता है, उसके बाद की कहानी तो बताई नहीं जाती, उनको पहले से भी अच्छे घर मिल जाते। इस तरह कई मामले सामने आ चुके हैं। अब सूरत की एक और मामला है, वहां पर विशाल हीरालाल खलासी जो कि गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं, तो भीख मांगकर खाने वाले लाइमा सलीम शेख और रूबिका इरफान पठान ने छोटे बच्चों को आगे किया, और जो मूर्ति रखी थी उनकी दुकान में, जिसकी कीमत 60,000 बताई जा रही है, उसके ऊपर हमला करवा दिया, वो नुकसान हुए। पुलिस ने आनंद फारंगों को गिरफ्तार कर लिया, चूंकि सैयदपुरा का मामला सामने आया था। इसके अलावा गुजरात के अन्य जगहों से भी खबरें आई, कई जगह हमले की भी बात आई, पथराव की भी बात आई, और सबसे बड़ी बात है जो इनका मोडस ऑपरेंडी है कि अब नाबालिग बच्चों को आगे कर रहे हैं। अब एक मामला ऐसा भी है जहां पर मदरसे में 3 महीने पहले से ट्रेनिंग दी जा रही थी, तो अब नाबालिग बच्चों को सामने करके उनसे हमले करवाया जा रहा है। लेकिन जो भारत की सरकार है वो हिंदुवादी सरकार है, जैसा कि उसके समर्थक बताते हैं, सरकार तो नहीं बोलती, चुनाव में कुछ स्टंट करते तो कर ही देती है, लेकिन उसके समर्थक हिंदुवादी जरूर बताते हैं, और वो हिंदुवादी लोग जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है, जो अपराध करता है उसको अपराधी की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए, चाहे वो बालिक हो या नाबालिग, लेकिन सरकार का यहां पर कोई भी ध्यान नहीं जा रहा। और अब एक नया पैटर्न शुरू हो चुका है कि नाबालिग को आगे करके हमले कराए जा रहे हैं, और गुजरात में कई जगह ऐसी घटनाएं सामने आई, जिस गुजरात के बारे में कहा जाता है कि पूरी तरह से शांत कर दिया, उस गुजरात में मतलब शायद ही कोई सप्ताह निकलता हो कि कोई घटना सामने ना आती। तो देखिए किस तरह से इन्होंने शांत किया कि उस गुजरात में ये सारी चीजें आम बात हो गई है। रही बात त्योहारों की, तो इस नए भारत में तो आपको इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा कि पुराने भारत में जितनी भी बुराइयां थी, जो पत्थरबाजी की समस्या पहले कश्मीर की थी, वो आज पूरे देश की समस्या बन गई। जो आप कोई भी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मना सकते, अगर आप कोई भी कलश यात्रा, शोभा यात्रा कुछ भी निकालते हैं, तो आपको पत्थर से स्वागत किया जाएगा, और वही लोग करते हैं जिनको तृप्त किया जा रहा है, संतुष्ट किया जा रहा है,
तो उस संतुष्टिकरण का परिणाम है कि लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन सरकार को कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़े बहुत स्टंट जरूर हो जाते हैं और उस स्टंट से खुश होने वाले लोग भी हैं, जिसका आज परिणाम है जो जगह जगह पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आ रही है। अब तो गुजरात में एक और भी मामला आया था, उस मामले में जहां गणेश जी की प्रतिमा रखी हुई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना वो घर, मतलब पूरा फ्लैट था, उसके ऊपर इस्लामी झंडा लगा दिया। और सबसे बड़ी बात है कि उस समय तो पार्षद को बुला के इन्होंने हटवा दिया था, फिर रात को महिलाओं के साथ आए और बताया गया कि उन्होंने वहां तो बिल्डिंग पे लगाए हैं, गेट पे भी लगा दिया, उनको डराने धमकाने लगे जो कि हिंदू थे। तो इस तरह की घटना सोची गुजरात में, तो इसका मतलब यह है कि जो तृप्तिकरण संतुष्टिकरण है उसका जो रिजल्ट है वो सामने धीरे धीरे आने लगा है, लेकिन पता नहीं कब लोग इस चीज को स्वीकार करेंगे, ये थोड़ी देखने वाली बात होगी। तो ये कहीं से सेक्युलरिज्म तो नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से इंटॉलरेंस का मामला है, और इनका इंटॉलरेंस लेवल आपको देखना है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आज आप कोई भी त्योहार मनाना चाहें ये उसमें खलल डालेंगे ही डालेंगे। और अगर कहीं कोई सरकारी एक्शन की बात करेंगे तो सरकारी एक्शन में ये चीज भी सामने आ जाता है कि दिखाते कुछ और हैं और करते कुछ और है, और ये सिर्फ डबल इंजन तक ही सीमित नहीं है, जो बाकी जहां सिंगल इंजन भी चल रहा है, मतलब जहां विपक्ष का भी शासन है, वहां भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि उनको एक है हिंदू हृदय सम्राट जिनको कई लोग सुल्तान भी बोलते हैं, उन्होंने उनको बार्गेनिंग पावर दे दी, जिसका परिणाम है कि आज वो हर राजनीतिक दल से बार्गेनिंग कर रहे हैं, और चूंकि जिसको वोट नहीं देते हैं वो इस तरह से बिछा हुआ है, तो जिसको वोट देते हैं तो भी कहीं ना कहीं बिछेगा ही। तो इन्होंने पूरी भारतीय राजनीति को पूरी तरह से बदल कर रख दी और हिंदुओं को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि आज कोई भी त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से वो नहीं मना सकता, वो इस भारत में जहां पर वो बहुलता में है। लेकिन अब इस चीज को कोई स्वीकार ना करना चाहे तो खैर ये उसके विवेक पर ही निर्भर करता है, और लोग जितना जल्द स्वीकार कर लें कि समस्या जो है वो राजा बाबू में ही है, तो शायद बहुत कुछ बदल जाए, क्योंकि जब तक हम समस्या को स्वीकार नहीं करते उसके इलाज के लिए हम कहीं जाते नहीं। तो ये कुछ नए भारत की तस्वीरें हैं। चलिए बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहें तो जिंदा रहेंगे, मिलना जुलना तो खैर जारी रखें, लेकिन जो कानपुरी यात्रीगण हैं वो कानपुर ही जाएं, जो कि प्लेटफॉर्म संख्या 2 से निकले, और नागपुर जाना हो तो 3 से जा सकते हैं, और वहां भी नहीं जाना चाहते वो अजैविक पुरुष के कार्यालय में जाए, जहां से कैंचीकरण के जरिए संतुष्टिकरण की अपनी आखिरी मंजिल को प्राप्त करें। बाकी आप सभी सज्जन लोगों का बहुत धन्यवाद।